A metal fifth problem. A metal M having molar mass of 96 gram per mole react with fluorine to form a salt MFX. In order to determine X, X की value determine करनी है यहां पर 9.18 gram of sample of salt is dissolved in 100 grams water. और यह जो सॉल्यूशन बना इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 374.38. व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट गिवन केबी इज 0.512 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलर. एज्यूम कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट. अब सबसे पहले सॉल्ट का यदि कंप्लीट डिसोसिएशन होता है MFX का तो इसका वॉन्टहॉफ फैक्टर डिटरमाइन करा जा सकता. इस जगह पर हमें सॉल्ट का वॉन्टहॉफ फैक्टर डिटरमाइन करना ही होगा क्योंकि यह सॉल्ट डिसोसिएट होता है. वॉन्टहॉफ फैक्टर 1 plus alpha into n minus 1 होता है. इधर वॉन्टहॉफ फैक्टर लिखता हूं 1 plus alpha की जगह 1 की जगह 1 plus x minus 1. क्योंकि यह 1 plus x पार्टिकल देगा, एक पार्टिकल m का और fx इसके x पार्टिकल, तो 1 plus x minus 1. सो वॉन्टहॉफ फैक्टर इज 1 plus x. यह वॉन्टहॉफ फैक्टर है. अब हम ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सामने साफ साफ देख रहे हैं, यह टीबी है. तो डेल्टा टीबी हम अच्छी तरह से जानते हैं, टीबी नॉट होता है 373 केल्विन. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 1.38 डिग्री. दिस ऑब्जर्व, दिस सॉल्यूशन का वाकई में प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने पर यह बॉइलिंग पॉइंट दिख रहा है तो हम कहेंगे ऑब्जर्व्ड डेल्टा टीबी. ऑब्जर्व्ड डेल्टा टीबी इज 1.38 केल्विन. ऑब्जर्व्ड डेल्टा टीबी इज 1.38 केल्विन. एंड इफ दिस ऑब्जर्व डेल्टा टीबी तो हम कैलकुलेटेड डेल्टा टीबी निकाल लेते. हमें अच्छी तरह से दे रखा है कि केबी क्या है और मोलालिटी निकल जाएगी. कैसे? यह मॉलिकुलर वेट है तो नंबर ऑफ मोल्स इधर हो जाएंगे 9.18 अपॉन दिस वेट इन ग्राम्स अपॉन 96 प्लस 19x ये वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये नंबर ऑफ मोल्स होगा. तो इधर से मोलालिटी आ जाएगी. मोलालिटी आ गई नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. यह मोलालिटी आ गई. अब हम कहते हैं कैलकुलेटेड डेल्टा टीबी इज केबी इंटू मोलालिटी. यह कैलकुलेटेड डेल्टा टीबी इधर से आ जाएगा.
कैलकुलेटेड डेल्टा टीबी इज केबी की वैल्यू दी हुई है 0.512 और मोलालिटी हमने लिख दिया है 9.18 अपॉन 96 प्लस 19x इनटू 0.1 यह कैलकुलेटेड डेल्टा टीबी हो गया। ऑब्जर्व्ड डेल्टा टीबी हमें पता है, ऑब्जर्व डेल्टा टीबी हमें पता है, कैलकुलेटेड डेल्टा टीबी हमें पता है और वांट ऑफ फैक्टर हमें दिख रहा है। हम अच्छी तरह से जानते हैं वांट ऑफ फैक्टर इज ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मींस वांट ऑफ फैक्टर इज ऑब्जर्व्ड डेल्टा टीबी अपॉन कैलकुलेटेड डेल्टा टी मींस वांट ऑफ फैक्टर 1 प्लस x इज ऑब्जर्व्ड डेल्टा टीबी की जगह 1.38 और कैलकुलेटेड डेल्टा टीबी की जगह 0.512 इंटू 9.18 अपॉन 96 प्लस 19x इंटू 0.1। इस तरह से हम इस इक्वेशन को लिख दे 1.x इंटू 1.38 इंटू 0.1 इंटू 96 प्लस 19x होल अपॉन 0.512 इंटू 9.18। नाउ सॉल्व फॉर x। इस तरह से x के लिए सॉल्व कर दीजिए। बड़े ध्यान से आप प्रॉब्लम को देखिए, प्रॉब्लम को पढ़ना ध्यान से, उसको समझना। कोई मेटल m जिसका एटॉमिक वेट दे रखा है 96 ग्राम पर मोल, क्लोरीन के साथ कंबाइन करके कोई ऐसा सॉल्ट बनाता है MFX, जैसे CaF2 हुआ, NaF हुआ, इस तरह से कोई सॉल्ट बन रहा है जिसमें x की वैल्यू 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। इस x की वैल्यू हमें निकालना है। इस x की वैल्यू निकालने के लिए 9.18 ग्राम लिए गए, 100 ग्राम पानी में डाल दिया गया, पानी जिसका केबी वैल्यू हमें पता है, एक सॉल्यूशन बना लिया गया, उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 374.38। बस इतनी बात दे दी, अब काम को करना है। हमने एक पार्ट तो यहां पर यहीं कहीं करके रख लिया कि टीबी 374.38 है और हम अच्छी तरह जानते हैं टीबी नॉट होता है, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373। तो हमें बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, दिस माइनस दिस 1.38। और यह सॉल्यूशन को बनाने पर प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली यह ऑब्जर्व हो रहा है, दिस ऑब्जर्व्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक काम हमने यह करके रख लिया। फिर हमने कहा कि यह सॉल्ट 100% डिसोसिएट होता है, दे रखा है, तो ये तो केस ऑफ डिसोसिएशन बन गया। यदि ये केस ऑफ डिसोसिएशन बन गया तो वांट ऑफ फैक्टर लिख देना जरूरी है। वांट ऑफ फैक्टर लिख दिया, वांट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1। ऐसा कैसे, प्लस अल्फा, 100% डिसोसिएशन है इसलिए अल्फा की वैल्यू 1 होगी। n, n कितना है, MFX, तो इधर 1 प्लस x पार्टिकल मिलेंगे, तो 1 प्लस x माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, 1 प्लस x आई आ गया। ये वांट ऑफ फैक्टर निकल लिख कर रख दिया। अब हमने कहा इसके 9.18 ग्राम ले रहे हैं, तो 9.18 ग्राम मतलब वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया। इतने नंबर ऑफ मोल्स 0.1 केजी वाटर में डाले गए, 100 ग्राम मींस 0.1 केजी, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो मोलालिटी हो गया। अब कैलकुलेटेड डेल्टा टीबी के लिए हमने एक्सप्रेशन सीख रखा है केबी इंटू मोलालिटी, तो केबी की जगह केबी की वैल्यू और उसकी मोलालिटी, कैलकुलेटेड डेल्टा टीबी हो गया। अब हमने वांट ऑफ फैक्टर की डेफिनेशन अप्लाई करें, I इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मींस ऑब्जर्व डेल्टा टीबी अपॉन कैलकुलेटेड डेल्टा टीबी। वांट ऑफ फैक्टर की जगह वांट ऑफ फैक्टर, ऑब्जर्व टीवी की जगह यहां ऑब्जर्व टीवी, और कैलकुलेटेड टीवी की जगह कैलकुलेटेड टीवी, और फिर उसको इस तरह से लिख दिया
अब इसको कैलकुलेट करके एक्स के लिए आंसर ऑब्टेन कर सकते हैं।